आज ये राज जो बना है निर्मल महतो के शहीद और उसके कुर्बानी के बदल बना है और उसी पार्टी का राज है, लेकिन यहाँ पर इस बेशर्मी से इलेक्शन सरकार चला रहा है। यह शहीदों की भावनाओं को कोई कदर नहीं है, शहीदों को सम्मान देना नहीं है। निर्मल महतो के शहीद के दर्जा देने में गृह मंत्री जो एखन मुख्यमंत्री है उसके पास दर्जा है, देन इन देयर जल्द से जल्द दिया जा सकता है। अगर सरकार के पास संकल्प की शक्ति है, सरकार चाहेगी तो 24 घंटा के अंदर में शहीद का दर्जा दे सकती है सरकार पार्टी। इसमें मुख्यमंत्री जो इस राज्य के गौरव पुत्र है, आंदोलनकारियों के पुत्र है, इससे अच्छा आंदोलनकारी का पुत्र होने का सम्मान और कुछ नहीं होता कि निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दे। जो इनका सपना था निर्मल महतो जी का, आज भी देश बना हुआ 76 साल पार कर गया, राज्य बना हुआ 23 साल हो गया, लेकिन उनका सपना अधूरा है। आज यहाँ की जलजमल जमीन का दोहन हो रहा है, यहाँ की माय माटी भाषा और संस्कृति टूट रहा है। कि आप निर्मल दा को कितना जल्द आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं और पाठ्यक्रमों में उनका जीवनी को आप शामिल कब कर रहे हैं, ये आज हम कुर्मी समाज की ओर से मांग कर रहे हैं। कि उन्होंने जो है अपनी बलिदानियां देकर, अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी आहुति देकर जो है अलग झारखंड राज्य की नींव रखी। आठ अगस्त का वो दिन जो झारखंड के लिए काला दिवस के तौर पर जाना जाता है, आज ही के दिन झारखंड आंदोलनकारी निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी। उनको गोली मार दिया गया था पीछे और आगे से, और उनकी हत्या घटनास्थल पर हुई होगी जमशेदपुर के चमड़ियागंज गेस्ट हाउस के पास। आज निर्मल महतो की शहादत दिवस है, पुण्यतिथि, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। निर्मल महतो चौक है जो रांची राजधानी के अंदर है, जब आप JPC ऑफिस के बाहर पास आएंगे या फिर जब करमटोली से आप फिलहाल की तरफ जाएंगे या फिर अब लालपुर से कचहरी की तरफ जाएंगे, बीच में निर्मल महतो चौक पड़ता है, बिरसा मुंडा पार्क बाएं तरफ है, इधर वुमेन्स कॉलेज है और ये निर्मल महतो चौक है। तो यहाँ लोग हर साल आते हैं, निर्मल दा को शहादत देते हैं, याद करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज ये राज जो बना है निर्मल महतो के शहीद और उसके कुर्बानी के बदल बना है और उसी पार्टी का राज है, लेकिन यहाँ पर इस बेशर्मी से इलेक्शन सरकार चला रहा है। यह शहीदों की भावनाओं को कोई कदर नहीं है, शहीदों को सम्मान देना नहीं है। झारखंड के लिए जिन्होंने क्या कुर्बानी दिया है, जो लोग संघर्ष किया है, वैसे लोगों को भी आज पहचान और सम्मान के मोहताज है। आज राजनीति करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, मालोपण के लिए पहुँच रहे हैं, दिखावा करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों को चुनौती देता हूँ कि निर्मल महतो के नाम पर राजनीति बंद करो। सबसे पहले निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दो। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे जिनकी निर्शस्त्र हत्या हुई, आज झारखंड मुक्ति के मोर्चा का सरकार है, कई बार उसका सरकार बन रहा है लेकिन आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। झारखंड राज्य निर्माण के लिए निर्मल महतो के साथ हजारों लोग अलग राज की लड़ाई लड़े, अपनी अपनी कुर्बानियां दिया है, लेकिन शहीदों को आज भी और जो आंदोलनकारियों को जो पहचान और सम्मान मिलना चाहिए था वो पहचान और सम्मान आज तक नहीं दे रहा है। आज शहीद निर्मल महतो 36वां शहादत दिवस आज निर्मल महतो चौक रांची में हम लोग मना रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभी तक निर्मल दा को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, शहीद का दर्जा सरकार की ओर से घोषणा हो। आज जब राज्य के मुखिया हेमंत जी जमशेदपुर में निर्मल दा को माल्यार्पण करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे, उस समय उनके मुख से ये बात का निकलना चाहिए कि आप निर्मल दा को कितना जल्द आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं और पाठ्यक्रमों में उनका जीवनी को आप शामिल कब कर रहे हैं, ये आज हम कुर्मी समाज की ओर से मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जितना जल्द हो सके इसको घोषणा करें और घोषणा करने के बावजूद आप निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे और उनका जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल करें, ताकि आने वाला पीढ़ी, जो हमारा पीढ़ी होगा, झारखंड का जो पीढ़ी है, वो जाने
कि निर्मल दा कौन थे, किसके लिए बलिदान हुए, ये सारी बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे। और हमेशा हम लोग ये बात कहते रहे, लगभग 20-25 वर्षों से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि 8 अगस्त के दिन राज्य में अवकाश का घोषणा हो प्रदेश स्तर पर, ये भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ये सब सारी मांगों को जितना जल्द हो सके उनको पूरा करे और सच्ची श्रद्धांजलि निर्मल दा को दे। देखिए आज का दिन कहिए तो झारखंड राज्य के लिए काला दिन भी है कि आज ही के दिन झारखंड के मसीहा अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अगुआ जिनकी शहादत से आज अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, वैसे महापुरुष के शहादत दिवस के अवसर पर हम कहेंगे कि शहीद निर्मल दा का जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए जो है हम सभी कृत संकल्प हैं कि उन्होंने जो है अपनी बलिदानियां देकर, अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी आहुति देकर जो है अलग झारखंड राज्य की नींव रखी और उनके शहादत के उपरांत जो है अलग झारखंड राज्य का आंदोलन जो है चरम पर पहुंचा, जिससे जो है केंद्र सरकार और संयुक्त बिहार सरकार ने जो है अलग झारखंड राज्य के नवनिर्माण के लिए जो है उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। लेकिन जो सपना था उनका कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर बच्चे को शिक्षा, उस पर जो है हम अभी बहुत हद तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम सबों को संगठित होकर, कृत संकल्पित होकर जो है झारखंड के नवनिर्माण के लिए जो है हम लोगों को काम करना है, आगे बढ़ना है, ताकि झारखंड का विकास जो है पूरे देश दुनिया में हो, इसका विकास की परिगाथा लिखी जाए। और हम उन महापुरुषों को भी आज नमन करेंगे जिन्होंने जो है अलग झारखंड राज्य के लिए जो है अपनी आहुति दी, प्राणों की आहुति दी। हम उनके आत्मा के शांति के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हमारे इस माय माटी भाषा और संस्कृति के अमर शहीद निर्मल महतो जी को सतत हम नमन करते हैं आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर। आज जो झारखंड राज्य बना है और हमारे अपने लोग जो सत्ता में हैं और बाकी सभी लोग हम झारखंड के वासी बने हैं, उसका अगर कोई सूत्रपात किया तो अग्रणी हमारे निर्मल महतो जी रहे हैं। उनका त्याग और बलिदान जो इस राज्य के स्थापना के लिए हुआ उसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। आज झारखंड राज्य का बना हुआ 23 साल हो गया, लेकिन शहीदों का जो सम्मान होना चाहिए था, जो एलिमेंट्री प्राइमरी मूवमेंट करने वाले हमारे महतो जी का, जो राज्य के अंदर, देश के अंदर एक स्थान बनना चाहिए था, जो शहीदों के बीच में, वो आज तक नहीं बन पाया। और जो सवाल था, जो इनका सपना था निर्मल महतो जी का, आज भी देश बना हुआ 76 साल पार कर गया, राज्य बना हुआ 23 साल हो गया, लेकिन उनका सपना अधूरा है। आज यहाँ की जलजमल जमीन का दोहन हो रहा है, यहाँ की माय माटी भाषा और संस्कृति टूट रहा है, अखड़ा धुमकुरिया गीति ओड़ा का क्या दुर्गति है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। और हम बतला देना चाहते हैं, जंगल जल जंगल जमीन
और यहाँ की भाषा संस्कृति अखड़ा धुमकुरिया को बचाने के लिए ही अलग राज मिला। जो अलग राज का गठन हुआ उसमें प्राथमिक बिंदु रहा यहाँ की भाषा और संस्कृति। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ये गौण हो गया। तो हम तमाम झारखंड वासियों का कहना चाहते हैं कि सोचो नहीं है भैया ध्यान से आए झारखंड आवी कैसे आप अनराइज, यही हम कहना चाहते हैं। और मुझे लगता है आज यहां जो यहां मूर्ति स्थापित है इस चौक पे, ये काफी नहीं है, इनका विधानसभा में लगना चाहिए। और भी जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है, सांस्कृतिक संस्थान है, वहां भी इनका मूर्ति लगना चाहिए। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। महतो के कातिल जिंदा है, लेकिन साथी मैं कहना चाहता हूं कि निर्मल महतो मरे नहीं है, साथी उनकी हत्या नहीं हुई है, निर्मल महतो आज भी जिंदा है। खेतों में, खलियानों में, हमारे अरमानों में, झारखंड के कण कण में जिंदा है। निर्मल महतो का लहू कह रहा है कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। साथी तो ये निर्मल महतो ने जिस सपने को देखा था, जिस लिए शहीद हुए, शहादत दिए, उनके मूल्य को समझने की आज जरूरत है। साथी आज यहाँ पर हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं पद्म श्री मुकुंद नायक जी, राजा राम जी, शीतल लोहरा जी अगुवाई कर रहे हैं। मैं सभी यहाँ मंचासीन साथियों को और यहाँ शुभचिंतकों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पे आप इकट्ठा हुए हैं। यही गोलबंदी हमें होकर एक ही तरह से जिस प्रकार से निर्मल महतो ने युवाओं को गोलबंद करने का सपना देखा था, गोलबंद करने की कोशिश करते हुए उन्होंने आज सुखा स्थापना किया, बुद्धिजीवियों का के लिए गोलबंद करने का काम किया, किसानों को किया, महिलाओं को जोड़ने का काम किया था। साथ ही आज पुनः हम सभी तमाम समाज के लोगों को गोलबंद होकर निर्मल महतो के सपनों को झारखंड को गढ़ने का काम करने का जरूरत है। साथ ही मैं एक घटना को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि निर्मल महतो समता मूलक समाज के कट्टर प्रवर्तक थे। वो चाहते थे कि झारखंड में साझी विरासत हमारी कायम रहे, उसे कोई तोड़ ना सके। साथी वीर शिव सोरेन दिशुम गुरु चाहते थे कि निर्मल महतो एनएलसी बने, और शिवू सोरेन ने उनका पर्चा भी भरा, लेकिन निर्मल महतो ने अंतिम समय में निर्णय लिया कि नहीं, एमएलसी के तौर पे रांची का एक आदिवासी युवक को एमएलसी बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने निर्मल महतो ने अपना नाम का जो पर्ची भरा गया था, जो फॉर्म भरा गया था, उसको वापस लेकर भाई हेलेन कुजुर को उन्होंने दस्तखत किया, उनका नाम को आगे बढ़ाया। और इस तरह से भाई हेलेन कुजुर उस समय एमएलसी बने और निर्मल महतो ने एक झारखंड में कद्दावर समता मूलक समाज का परिचय दिए थे। साथी तो झारखंड की संस्कृति एक फूलक बाग हके, आदिवासी और सदान एक मायक दुई संतान हके, इसलिए जे बने हिया हमले के संस्कृति के साझी विरासत के तोड़े कर कोशिश कर लेना उकर ना पाकि राधा के हमले कभी पूरा नहीं हुए देवे। साथी निर्मल महतो के शहीद के दर्जा देने में गृह मंत्री जे अखन मुख्यमंत्री हैं उकरे पास दर्जा है, देन इन देयर जल्द से जल्द दिया जा सकता है। अगर सरकार के पास संकल्प की शक्ति है, सरकार चाहेगी तो 24 घंटा के अंदर में शहीद का दर्जा दे सकती है। साथी इसमें मुख्यमंत्री जो इस राज्य के गौरव पुत्र है, आंदोलनकारियों के पुत्र है, इससे अच्छा आंदोलनकारी का पुत्र होने का सम्मान और कुछ नहीं होगा कि निर्मल महतो को वो शहीद का दर्जा दे। हम लोग मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि निर्मल महतो की हत्या का सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथी हम मांग करना चाहते हैं कि निर्मल महतो का सीबीआई जांच हो और निर्मल महतो का हत्यारा का चश्मदीद गवाह हम लोगों के दादा निर्मल भट्टाचार्य जो उनके साथी के रूप में है अभी भी जिंदा है जमशेदपुर में, कि निर्मल महतो का जो सीबीआई की जांच हो तो वो गवाह बनने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है निर्मल महतो का साथी। इसलिए हम झारखंड के सरकार से मांग करते हैं
कि शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करे साथी। जिस जल जंगल जमीन की रक्षा की लड़ाई करते हुए शहादत दिए है, उस मूल्य को स्थापित करने की जरूरत है साथी। माननीय हम लोग के पदम श्री मुकुंद नायक है कि भाषा और संस्कृति के आधार पे मुकुंद नायक की पहचान देश और दुनिया के अंदर में हुई है। देश और दुनिया के अंदर में झारखंड अलग राज्य बना है संविधान की धारा 3A के तहत में साथी। ये संविधान की धारा 3A में क्या है, इसमें भाषा और संस्कृति और माया और माटी के आधार पे राज्य बनता है। जैसे कि देश के अंदर में 28 अन्य राज्य बने हैं, पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है, तमिलनाडु में तमिल है, असम में असमिया है साथी, कर्नाटक में कन्नड़ है। हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है साथी। झारखंड में अभी तक हम लोगों की भाषा और संस्कृति स्थापित नहीं हुई है साथी। ये मांग करते हैं सरकार से कि झारखंड के भी अपनी पहचान होनी चाहिए साथी, यहाँ की भी संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए साथी। आज हम आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी दिवस मनाने के साथ साथ हम आदिवासियों के गांवों में भी जाने का काम करें कि किस तरह से हमारे लोग जीवन बसर कर रहे हैं। दो जून की रोटी नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, ये विडंबना है आदिवासी गाँवों का साथी। आज निर्मल महतो के गांव में जाने की जरूरत है साथी। आज निर्मल महतो के जिस मिट्टी में उन्होंने शहादत दिया है, उस मिट्टी को जाके देखिए, वहाँ हजारों हजार जो कुर्मी आदिवासी जाति के लोग हैं उनकी जमीनें लूटी जा रही है साथी। और टाटा स्टील हजारों हजार जमीनें एक्स्ट्रा एक्वायर कर लिया है यहाँ के लैंड लॉर्ड को। और विस्थापन का शब्द हमें कहते हैं, लैंड लूजर कहा जाता है साथी। हम इस जमीन के लैंड लूजर नहीं है, हम इस जमीन के विस्थापित नहीं है, इस जमीन के हम धरती पुत्र हैं, हम रैयत है, इस जमीन के मालिक है साथी। झारखंड के कण कण के हम मालिक है, हमें डिस्प्लेस कहा जाता है, हमें विस्थापित कहा जाता है, रैयत को जमीन के मालिक को विस्थापित करता है, ये विडंबना है साथी। हम इस विस्थापन शब्द को झारखंड की मिट्टी में दिलीप करते हैं साथी। और मैं मंच की ओर से शीतल जी, यहाँ पर इसका जो रक्षा का बात होगा, यहाँ पर सुंदरीकरण का बात होगा, यहाँ पर सजावट की बात होगी, तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिम्मा रहती है कि आज के बाद यहाँ पर सौंदर्यकरण का काम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा करेगा साथी। इसके लिए हम लोग का धन्यवाद है, क्योंकि आज झारखंड आंदोलनकारी हम लोग की पहचान है का शहीद निर्मल महतो के लहू के कारण है साथी। आज अगर पद्म श्री मुकुंद नायक जी को मिला है तो आज निर्मल महतो के लहू से लिखा गया है पद्म श्री साथी। अगर ये राज्य नहीं होता तो आज हमारी पहचान सुनिश्चित नहीं होती साथी, हमारी माँ माटी का मूल्य स्थापित नहीं होता साथी, हम झारखंडियों की पहचान स्थापित नहीं होती साथी। आज मैं निर्मल महतो जी को नमन करता हूं कि 36वें शहादत दिवस पे कि उनके मूल्यों को स्थापित करना है, जिस मूल्य की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है, जिस मूल्य को लेकर उन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत को हमें स्थापित करने की जरूरत है। निर्मल महतो जाति और पार्टी की भावनाओं से ऊपर उठकर अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे साथी। उनके त्याग और बलिदान को हम जब तक इतिहास के पन्ना में नहीं अंकित होता है साथी, शहीद का दर्जा नहीं होता है, तब तक हमें एक और संघर्ष करना है, एक होल और करना है, एक उल्लान के लिए और तैयार रहना है, और जरूरत पड़ेगी तो एक शहादत के लिए भी हम तैयार हैं। जय झारखंड, निर्मल महतो अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, निर्मल महतो अमर रहे, निर्मल महतो के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद, जोहार साथियों।